गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम डाटा हैंडलिंग को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। कल एक्सरसाइज 5.1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता था, पहले हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या आपका, द नंबर ऑफ आवर्स, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, For which students of a particular class watched TV during holidays. ड्यूरिंग हॉलीडेज में जो स्टूडेंट्स टीवी देख रहे हैं उसके बारे में है। आपको आंसर देना है इन क्वेश्चंस का। आंसर फॉलोइंग देखिए, आपके पास ग्राफ दे रखे है इसमें ना, ग्राफ में क्या गिवन है, इधर आपके पास 4 है, 8 है, 16, 20, 24, 28 and last one is 32, ठीक है। इधर आपके पास जो फर्स्ट ग्राफ है दैट इज ऑन 4, नेक्स्ट आपका 8 पे गिवन है, 8, नेक्स्ट आपको गिवन है 22, नेक्स्ट गिवन है आपको 32, 32, नेक्स्ट आपका अगेन 8, नेक्स्ट है आपका बेटा 6, यहाँ पे कहीं आएगा आपका 6, क्लियर है। ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1 is 7, ये क्या है हमारे पास आर्स ऑफ टीवी वॉच्ड पर डे, जो एक दिन में आप क्या देख रहे हो टीवी, ठीक है। इधर क्या आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज योर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लियर है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्लैरिटी चेक कर लेती हूँ एक बार मैं। ओके, क्लियर है ना आपको। फर्स्ट है फॉर हाउ मैनी आवर्स डिड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी, क्लियर है। फर्स्ट आपका ये है, सेकंड है आपके पास हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच्ड टीवी फॉर लेस देन फोर आवर्स। थर्ड क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन फाइव आवर्स इन वॉचिंग टीवी, क्लियर है। क्वेश्चन तो समझ आ गया आपको। देखिए फर्स्ट में क्या है, अब हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, फॉर हाउ मैनी आवर्स डिड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट टीवी कब देख रहे हैं, देखो यहाँ पे
ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 32 है, ये वैल्यू कितनी है आपके पास 4, ये वैल्यू कितनी है दैट इज 8, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 22, ये वैल्यू कितनी थी आपके पास 8, अगेन दिस वैल्यू इज योर 6, ओके। अब 32 मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और वो कितने टाइम के लिए टीवी देख रहे हैं, दैट इज फॉर 4 to 5 आवर्स, 4 to 5 के बीच में जो ग्राफ है वो मैक्सिमम है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा आपके पास, फॉर हाउ मैनी आवर्स डिड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी, दैट इज फॉर आवर्स पूछे उसने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने पूछा, तो कितना आंसर आएगा इसका 4 to 5 आवर्स, दिस इज योर आंसर। सेकेंड क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, 4 आवर्स से लेस कितने हैं स्टूडेंट्स हैं, अब उसने स्टूडेंट्स पूछा है 4 आवर्स से लेस, ये तो हमारे पास आवर्स है ना इस साइड आपके पास, दिस इज योर आवर्स, 4 आवर्स से लेस हमारे पास ये आ जाएगा ग्राफ नीचे का, 4 + 8 12 + 22 कितना बन गया ये 22 + 12 34 स्टूडेंट्स हैं, 8 + 4 = 12, 12 + 22 = 2 + 4 = 12, 2 + 1 = 3, ठीक है 34 स्टूडेंट्स हैं जो 4 आवर्स से लेस देखते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स वॉचिंग टीवी, 5 आवर से ज़्यादा स्टूडेंट्स कितने हैं जो कि 5 आवर से ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, 8 + 6 दैट इज 14 स्टूडेंट्स विच स्पेंट मोर देन 5 आवर्स, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा पिक्टोग्राम का, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं आज हम, देखिए 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन देखो अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड टाइप ऑफ म्यूजिक that certain group of young people liked in a city adjoining pie chart showing the finding of survey, pie chart में आपको डाटा दे रखा है, देखिए pie chart में आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास pie chart बना हुआ है, ठीक है, इसमें आपको गिवन है ये हमारे पास light music है, light music को 40%, ठीक है, ये हमारे पास क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल है 10%, दिस इज योर फुल इसका है 30%, दिस इज योर सेमी क्लासिकल के लिए गिवन है आपको दैट इज 20%। अब क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है आपके पास, फर्स्ट है हमारे पास इफ 20 पीपल लाइक्ड, फर्स्ट क्या है इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड,
हाउ मैनी जंग पीपल वर सर्वेड, कि कितने जंग लोगों का आपके पास सर्वे हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास ये 100% बन जाए, 40 प्लस 30 70 80 90 प्लस 10 100%। देखिए सॉल्यूशन में क्या है इसमें, इफ 100%, अगर आपका 100% है वो, इफ 100% रिप्रेजेंट्स 1000 पीपल, सॉरी अगर 100% आपका 100 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 20% कितनों को करेगा, 100 नहीं सॉरी, ये कितना है 10% है क्लासिकल म्यूजिक का। अगर 10% हमारा 100 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 20% है, देन 20% कितनों को रिप्रेजेंट करेगा, 200 पीपल को। क्लियर है ना, अगर 10% 100 को कर रहा है तो 20% कितने को करेगा, 200 को। उसने भाई तो पूछा है इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, अगर 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक को लाइक कर रहे हैं तो कितने जन लोगों का सर्वे हुआ। इसका मीनिंग सर्वे कितने लोगों का हुआ है, 200 पीपल का। क्लियर है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए इसका क्या है आपके पास। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन देखिए इसमें, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सेकंड क्या है हमारे पास, विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, वो तो पाई चार्ट को देख के क्लियर है, लाइट म्यूजिक 40% लोग लाइक कर रहे हैं, सो सॉल्यूशन में क्या आएगा आंसर में, दैट इज लाइट म्यूजिक। क्लियर आंसर, लाइट म्यूजिक इज लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है आपके पास, स्पेस कम उनकी वजह से मैं वन वन पार्ट ले रही हूँ। इफ ए कैसेट कंपनी, थर्ड पार्ट इसमें गिवन है, इफ ए कैसेट कंपनी प्रोड्यूस 1000 CDs, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, वुड दे मेक। अगर वो 1000 CDs बनाती है तो हर टाइप की, लाइट म्यूजिक, फुल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, सेमी क्लासिकल म्यूजिक, इनकी उसने कितने कितनी कितनी सीरीज बनाई, कितनी कितनी कैसेट्स बनाई, तो सॉल्यूशन में आपके पास क्या आ जाएगा, लाइट म्यूजिक की सीरीज 40% है, 1000 सीरीज वो बना रही है, तो हमारे पास इसकी स्टेटमेंट में आप क्या लिख सकते हो, स्टेटमेंट में आप लिखोगे इसका सीरीज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। जैसे सबसे पहले हम क्लासिकल म्यूजिक के लिए निकाल रहे हैं तो कितनी है ये 10%, 10% किसका, 1000 वो टोटल कैसेट्स बना रही है तो कितनी आ गई हमारे पास 100। क्लियर है, नेक्स्ट सिमिलरली अगर मैं सीडीज निकालूं, दिस इज फॉर क्लासिकल, अगर मैं निकालूं सीडीज ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक, ये कॉमे डाले हैं मैंने, सेमी क्लासिकल म्यूजिक के लिए कितनी है देखिए 20%, ये इन पे एडजस्ट कर दूं मैं इसको, तो 20% किसका 1000 का, तो कितनी आ गई ये, दैट इज 200। क्लियर है, नेक्स्ट सिमिलरली सीरीज ऑफ
लाइट म्यूजिक कितनी है, दैट इज 40%, 40/100 इंटू में अगेन 1000, अगेन ये कितनी आ जाएंगी, दैट इज 400. सिमिलरली सीरीज ऑफ क्या बचा आपके पास, फुल म्यूजिक कितनी आएंगी, 30%, 30/100 इंटू में 1000, दैट इज 300. अब देखिए 400, 300, 100, 200, 4, 3, 7, 8, 9, 10 कितने हो गए टोटल ओवरऑल, 1000. 1000 ही वो प्रोड्यूस कर रही थी, ईच टाइप की उसने कितनी की, 40% का, 40% 1000 का, 30% 1000 का, 10%, देन यू कैन फाइंड आउट. क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, वन क्वेश्चन और ले लेते हैं हम. अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन्स from three seasons कौन कौन से हैं आपके पास, रेनी, विंटर एंड समर. रेनी, विंटर एंड समर. विच सीजन फर्स्ट है उसमें, विच सीजन गॉट मोस्ट वोट्स. सेकेंड है, फाइंड सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर. थर्ड है आपके पास, ड्रा पाई चार्ट फॉर दिस इंफॉर्मेशन. आपको एक पाई चार्ट ड्रा करना है इस इंफॉर्मेशन के लिए. क्लियर है? अब देखिए आपके पास गिवन है, सीजन गिवन है, देन आपके पास क्या गिवन है, दैट इज नंबर ऑफ वोट्स गिवन है. क्लियर है? सीजन देखो समर में, देन आपको रेनी है, देन लास्ट कौन सा सीजन है, दैट इज विंटर सीजन. समर सीजन के लिए नंबर ऑफ वोट्स 90 है, इसके लिए 120 है, इसके लिए आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स है 150. क्लियर है? अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, पहले तो आपके पास क्वेश्चन में क्या है, ग्रुप है कितने लोगों का, 360 का, उनको वोट देने के लिए कहा अपने सीजन्स के अकॉर्डिंग. तीन सीजन है, रेनी, विंटर एंड समर सीजन. क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सीजन गोट मोस्ट वोट्स, सबसे ज्यादा वोट किस में मिलनी है, समर में तो 90 है, रेनी में 120, विंटर में 150. तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, विच सीजन गॉट मोस्ट वोट्स, दैट इज द विंटर सीजन. आंसर ऑफ फर्स्ट इज विंटर सीजन. क्लियर है? सेकंड क्या है, फाइंड सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हर सेक्टर के लिए आपको सेंट्रल एंगल निकालना है. अब देखिए समर सीजन के लिए सेंट्रल एंगल फॉर समर सीजन, समर सीजन के लिए निकालोगे. देखिए अब नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, 90, ग्रुप कितने का था, 360 का, 90/360 इनटू में 360. देखिए नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, 90, कितने लोगों ने वोट की, 360 ने, और हमारे पास सेंट्रल एंगल कितने का
का होता है दैट इज 360 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया समर सीजन के लिए हमारे पास जो एंगल आ गया दैट इज 90 डिग्री। सिमिलरली सेंट्रल एंगल फॉर समर के बाद क्या है रेनी सीजन, रेनी सीजन के लिए कितना आएगा 120 अपॉन में टोटल पीपल 360 इंटू में एंगल कितना है, सॉरी आपको क्या निकालना था, फाइंड सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हर सेक्टर के लिए आपको सेंट्रल एंगल निकालना है ठीक है। तो हमारे पास सेंट्रल एंगल निकालने के लिए नंबर ऑफ बोर्ड्स आपको गिवन है दैट इज 90, 360 डिग्री का आपके पास एंगल है इनटू में 360 पीपल ठीक है, नेक्स्ट में 120 डिग्री देन 360 इनटू में 360, तो इसका कितना आ जाएगा आपके पास दैट इज 120। क्लियर है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास सेंट्रल एंगल लास्ट वाइल के लिए क्या आ जाएगा, सेंट्रल एंगल फॉर विंटर के लिए, फॉर विंटर इसमें पीपल कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ वोट्स हैं 150 टोटल नंबर ऑफ पीपल 360 इनटू में एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री, तो इसके लिए आ जाएगा ये 150 डिग्री का एंगल सेंट्रल एंगल। क्लियर है। और देखिए ड्रा पाई चार्ट फॉर दिस इंफॉर्मेशन, इसके लिए आपको पाई चार्ट बनाने हैं। अब देखिए पाई चार्ट बनाने के लिए क्या होगा हमारे पास, सर्कल बनाओगे सबसे पहले, एक एंगल 90 डिग्री था देन 120 आया देन 150, 90 डिग्री का एंगल तो हमें कट करना आता है अगर ये हमारे पास ऐसे है ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ से कट कर लिया। क्लियर है। देन है मेरे पास 120 के लिए ये यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, दिस इज फॉर 120, ये आ गया हमारे पास दैट इज रेनी सीजन, ये वाला समर सीजन के लिए 90 डिग्री है, देन लास्ट वन इज फॉर विंटर सीजन, दिस इज फॉर विंटर सीजन। क्लियर है कि आपको सेंट्रल एंगल कैसे निकालना है, 90 आपको ये गिवन है, 360 डिग्री का हमारा फुल सर्कल होता है रेवोल्यूशन का, 360 पीपल है तो 90 अपॉन 360 इंटू में 360 डिग्री। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।